हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपीसी कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड के अंदर सम कैसे करें। हाँ जी, सम कैसे करें। अभी तक आपने एक्सेल में करके देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर सम करके दिखाता हूँ। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, ध्यान से देखो, मैंने ये एमएस वर्ड ही ओपन किया हुआ है। मैं इसको फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। अब एमएस वर्ड में मैंने क्या एक टेबल बनाई हुई है, मैं आज इसमें आपको टोटल करके दिखाता हूँ टोटल कैसे करेंगे। तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे अलग अलग कॉलम, यहाँ पे एमएस वर्ड में जैसे आप टेबल बनाओगे तो अलग अलग कॉलम के हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे कॉलम का ए बी सी और डी। तो मैं इसका यहाँ पे टोटल करके दिखाऊंगा आपको। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना, कंट्रोल प्लस F9 यूज करना दोस्तों। आपने कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 किया तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना है। इक्वल करके आपने यहाँ पे सम टाइप करना है, फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। जो टोटल है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, टोटल हमने यहाँ से करना है। तो यहाँ पे ए कॉलम हो गया और ये वन हमारा रो हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, A1, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ कॉलम करके हमने कहाँ तक करना, हमने A5 तक, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने A5 किया। A5 करने के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, F9 प्रेस करना है कीबोर्ड से। आप देखोगे टोटल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट का करना है, वहीं आपने कंट्रोल प्लस F9 करना है, इक्वल करना है, SUM करना है, सम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट की, और यहाँ पे हमने बी करना पड़ेगा, B1 शिफ्ट के साथ कोलन करके और फिर B5, और ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और फिर हमने F9 प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे इसका टोटल हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ट्रिक, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।